अगेन ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन ध्यान से, मैंने कहा था पहले 3 नंबर वाले क्वेश्चन को लिख लो अच्छे तरीके से। हाँ जी, अच्छे तरीके से लिखने के बाद इसको 2 बार पढ़ो पहले, ठीक है, जितना समझ में आए कुछ तो समझ में आएगा। यहाँ इनकम के बारे में बात हो रहा है, एक्सपेंडिचर के बारे में बात हो रहा है, सेविंग्स के बारे में बात हो रहा है, कुछ तो समझ में आएगा, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। बस उसको समझने का प्रयास, ज्यादा नहीं बोलना है, मैं बोल रहा हूँ बस 1 से 2 बार पढ़ो। हाँ जी, 1 से 2 बार पढ़ो और कुछ समझने का प्रयास करो। समझ में आ गया तो ठीक, समझ में नहीं आया तो मैं हूं ना, घबरा क्यों है, मैं हूं, बस मेरे ऊपर सब कुछ आप छोड़ दो। अब उसको समझने के लिए आप एक ध्यान से, मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझोगे। इनकम के बारे में समझने से पहले, यहाँ पर ये आपकी माता जी, ये कौन है आपकी माता जी? ना, माता जी का इमेज अच्छे से बनाना है, वरना माँ जी तो हमका पीट डालेगी। हाँ, आपके माँ जी का इमेज अच्छे से बनाना है ना। हाँ भैया जी, ये क्या किए, ये माँ जी थोड़े हैं मेरी। क्या किया जाए, कहा किया जाए, अच्छे से बाल दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इतना सही देते बाल, बहुत प्यारी माँ जी। चलो, ये इमेज जो है माँ जी का बहुत अच्छा बना है, दिखा मत दियो, ये आपकी माँ जी है, ठीक। अब आपकी माँ जी जो है, ये आप, ये आपका इमेज तो बहुत प्यारा लग रहा है। चलो ऐसे कर देते, ऐसे कर देते, ना ना ऐसे ना, ये अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे ना करना चाहिए, ऐसे और ऐसे, हाँ ऐसे ठीक है। चलो, बहुत अच्छा इमेज बनाया आप, मैं एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, ऐसा मत बोलना भैया अच्छा इमेज नहीं बनाते, बहुत अच्छा ड्रॉइंग मैंने बनाया, ठीक है। ये आपकी माँ जी है, आपका ये ऊपर का हिस्सा अच्छा नहीं बन रहा ना, बाल मैं अच्छा से बना नहीं पा रहा हूँ। अच्छा रुको, एक काम ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा इमेज बनाया, इससे बढ़िया बाल देना ही नहीं चाहिए था। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ समझो, अब आपकी माँ जी है ना, आपको हर दिन जो है 10 रुपए देती है, कितना रुपए देती है, 10 रुपए देती है। ये 10 रुपए जो है वो आपका इनकम हो गया। अच्छा भैया, ये 10 रुपया मेरा इनकम हो गया? बिल्कुल, 10 रुपया आपका इनकम। इनकम का मतलब क्या, इनकम, इनकम में कम आया हुआ है, कम मतलब क्या होता, आना, जो पैसा आएगा उसको क्या कहेंगे, इनकम ही कहेंगे ना। अब माँ जी पैसा दे रही है, पैसा आपके पास आ रहा है ना, वो आपका क्या हुआ, इनकम ही हुआ ना। हाँ जी भैया, इनकम हो गया। अब इस 10 रुपए में से आप डेली सोचते हो, माँ जी डेली 10 रुपए देती है, उसमें से डेली हम जो है ना 5-5 रुपए सेव करेंगे, नहीं 5 रुपए नहीं, उससे ज्यादा सेव करेंगे, एक काम करते हैं 6-6 रुपए सेव कर रहा है, तो एक साल में 6-6 रुपए सेव करेंगे तो 365 दिन सेव करेंगे, 6-600 रुपया लगभग लगभग कितना हो जाएगा, 35, 17, 7, 14, 23, अर्थात इतना 210 रुपये, अगर नहीं 2100 रुपये अगर हम लोग एक साल में सेव करेंगे तो 10 साल के बाद 21,000 हो जाएगा, इससे बेहतर कुछ सामान खरीदेंगे। मतलब आप अभी से सोच रहे हो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, सब सेव करके करेंगे। अरे रुक जाओ, अभी यही पर हो आप, मतलब आपको जो सेव करना है वो अलग बात है, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें आप सोचते हो कि हर दिन हमको कुछ सेव करना है, कुछ पैसे क्या करना है, सेव करना है, कितना सेव करना है आपको जो है, इसमें जो है मान लो 6 रुपए सेव करना है, तो आपका खर्च कितना हो गया, एक्सपेंडिचर कितना हो गया। एक्सपेंडिचर में ध्यान से देखोगे, एक्सपेंडिचर वर्ड को ध्यान से देखोगे, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में यहाँ पेन आ रहा है, पेन का मतलब क्या हुआ, पेन को खरीदने में आप कितना खर्च, मैं सिर्फ याद रखने का तरीका बता रहा हूँ और कुछ नहीं। एक्सपेंडिचर में यहाँ पेन आ रहा है ना, पेन का मतलब आप पेन को खरीदने में कितना खर्च कर रहे हो। तो भैया, हम पेन को खरीदने में कितना खर्च कर रहे हैं, हमको क्या पता, मतलब सिंपल सा, खर्च को हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं। और सेविंग समझ रहे हो ना, इसको सेविंग बोलेंगे, सेव नहीं, सेविंग बोलेंगे, ओके। ये सेविंग नहीं, ये मेरा अलग सेविंग, मैं तो सेविंग कराता नहीं हूँ, बस वो जो मशीन आता है उसे छोटा हो इस सेविंग की बात मैं नहीं कर रहा, तब जो बचत करने वाला सेविंग होता है ना उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ एक्सपेंडिचर मतलब खर्च हुआ, खर्च समझ रहे हो ना, जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं। माँ जी आपको 10 रुपए दिए, आपका इनकम हो गया, 10 रुपए में से कितना रुपए खर्च किया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है आप 6 रुपए सेव कर रहे हो, 6 रुपए बचा रहे हो। जब 6 रुपए बचा रहे हो तो खर्च कितना हो रहा होगा भैया, जानते हैं 10 में 6 घटा देंगे, 4 रुपए मेरा खर्च हो रहा है, बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो यहाँ 6 रुपया नहीं दिया होता तो कैसे आप सेविंग का फॉर्मूला लगाते, तो बोलोगे भैया इनकम में हम एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो हम लोग का सेव निकल जाएगा, कितना रुपया हम सेव कर रहे हैं, कितना रुपया मेरा सेविंग है वो निकल जाएगा। मतलब पूरे के पूरे इनकम में अगर हम एक्सपेंडिचर घटा देंगे, एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, सेव निकल जाएगा। चलो ये सब कुछ हम जानते हैं, कहीं पर आप फॉर्मूला लिख लोगे, कहीं पर लिख लो फॉर्मूला, इनकम बराबर नोट डाल के लिख लो। ड्रॉइंग माँ जी को मत दिखा देना, वरना हमें कच्चा चबा चबा जाइए माँ जी कि आपके भैया जी को हमारा कितना अच्छा ड्रॉइंग बना रहे हैं फिर डालेंगे हमको, फिर सोच लो हमें कौन बचाएगा फिर। हाँ यहाँ लिखोगे इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ओके। ये प्यारा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप लिख लोगे, मैं पूछ सकता हूँ इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, अब इस पर कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो कैसे बनाना है उसको देखो।
अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपने क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा, बिल्कुल आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। यहाँ देखो, यहाँ बोला गया द इनकम ऑफ टू पर्संस, इनकम ऑफ टू पर्संस, किसकी किसके बारे में बात हो रहा है, ए के बारे में बात हो रहा है, बी के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर कोई नाम भी दे सकता है तो आपको घबराना नहीं है, ए की जगह पे कोई नाम दे देगा, बी की जगह पर कोई नाम दे देगा तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ बोला गया इनकम ऑफ टू पर्सन ए और बी बोला गया, उसका रेशो दिया हुआ 8 और 7, ये 8 जो है ए के लिए इनकम है, 7 जो है ये बी के लिए इनकम हुआ। एक बार फिर से समझो, यहाँ पर 8 किसके लिए इनकम है, ए के लिए, और ये 7 जो है बी के लिए इनकम हुआ, ठीक है। उसके बाद एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और उसका एक्सपेंडिचर का भी रेशो दिया हुआ है 19:16, यहाँ मंथ लिखा हुआ है 19:16 दिया हुआ है। ये 19 जो है ए का एक्सपेंडिचर है और ये 16 जो है बी का एक्सपेंडिचर है, ये 19 है, आपको दिख नहीं रहा क्या, अरे हो जाता है वो कभी कभी मार्कर है ना, ठीक। ये 19 जो है ए का एक्सपेंडिचर है और 16 जो है ये बी का एक्सपेंडिचर है, बहुत अच्छे। फिर बोला गया इफ देयर सेविंग्स आर 20, मतलब 2550 रुपए हर महीना आप सेव कर रहे हो, देयर मतलब इफ देयर सेविंग, दोनों का सेविंग जो है 2550 रुपया पर मंथ है, दोनों का सेविंग है, मतलब ए का भी सेविंग 2550 है और बी का भी सेविंग 2550 रुपए ही है, तो हमको दोनों का इनकम बताना है, दोनों का इनकम क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग कुछ मानने का प्रयास करेंगे, यहाँ इनकम दिया हुआ है, ए का इनकम 8 दिया हुआ है और बी का इनकम 7 दिया हुआ है। यहाँ देखो, लेट द इनकम ऑफ ए, लेट द, कितना नंबर है, 3 नंबर ना, 3 नंबर का सोल्यूशन, बहुत प्यारा सोल्यूशन होगा, ध्यान से समझोगे। द इनकम ऑफ ए क्या हो गया, ए टैक्स हो गया। सुनो, इस दोनों में हम लोग एक्स के रूप में मानेंगे, इस दोनों को हम लोग वाई के रूप में मानेंगे, ठीक है। इनकम को एक्स के रूप में मानेंगे और एक्सपेंडिचर को वाई के रूप में मान लेते हैं, आपको आसानी हो गया, ठीक है। यहाँ देखो, ए को मान लिया 8x और बी को मान लिया 7x, तो इनकम ऑफ बी कितना हो गया, इनकम ऑफ बी कितना हो गया, 7x हो गया, ये इनकम मान ली। अब हम लोग एक्सपेंडिचर मानेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ ए 19y होगा और एक्सपेंडिचर को y के फॉर्म में मानेंगे, इनकम को x के फॉर्म में मानना है, ऐसे समझो ना, समझ में आएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखो, यहाँ ध्यान दो, एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना हो जाएगा भैया, एक्सपेंडिचर ऑफ ए 19y हो गया, एक्सपेंडिचर ऑफ y ये परेशान करके रख देता है पढ़ाते समय बात नहीं करना मुझे, ओके। हाँ, मैं कहाँ पर था, समझो, इसका मैं एक और तरीका बताऊंगा, पहले इस तरीके से देख लो, अगर तनिक भी समझ में नहीं आएगा तो बोलियो, सब कुछ चमक रहेगा, बोल, नहीं चमक नहीं रहा होगा। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर बोला गया इनकम ऑफ ए, जितना भी ये था इनकम, उसको हम लोग एक्स के फॉर्म में बोले हैं, तो इनकम ऑफ ए मेरा 8x हो गया, इनकम ऑफ बी मेरा 7x हो गया, इसको हम लोग एक्सपेंडिचर को वाई के फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ ए मेरा 19y हो गया और एक्सपेंडिचर ऑफ बी हमारा 16y हो गया, बस हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, समझना है आपको, अब बात यहाँ कहा गया है, अब हम लोग सिंपल सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलने वाले। अब आप खुद सोचोगे, भैया जी हमको सेविंग दिया हुआ है, सेविंग कैसे निकालते हैं, तो सेविंग निकालते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर निकालते हैं, तो ए के लिए सेविंग क्या होगा, ए का सेविंग क्या होगा, इनकम में एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो सेविंग निकल जाएगा, अर्थात ए का इनकम ए टैक्स में ए का एक्सपेंडिचर 19y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा सेविंग 2550, ये मेरा सेविंग निकल जाएगा, अर्थात ए के लिए ए टैक्स माइनस 19y इक्वल टू कितना हो गया, मेरा हो गया 2550 रुपए। हाँ जी, अगेन। फिर बी के लिए क्या होगा, भैया बी की बात कर रहे हैं आप, हाँ बी की बात कर रहे हैं हम, तो बी के लिए आप क्या करोगे, जल्दी बताओ, बोलोगे भैया बी के लिए आप बोल रहे हैं, हाँ जी बी के लिए बोल रहे हैं, बी के लिए सिंपल सा बी का इनकम और बी का एक्सपेंडिचर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाकर के मेरा सेविंग निकल जाएगा 2550 रुपए। तो लिखते हैं 7x माइनस 16y इक्वल टू 2550 रुपए, बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आपको जिससे सॉल्व करना है उससे सॉल्व करोगे, चाहे आपको बहुत सारा मेथड आपके पास आया, ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, सब्सटीट्यूशन मेथड है, सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, और कौन सा मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो। अब आपके पास ढेर सारा, मैंने सब कुछ बता दिया है, बस आपको सॉल्व करने का तरीका आपको खुद ढूंढना है, आपको किस मेथड से सॉल्व करना है और
क्वेश्चन को पढ़ना तो आपको खुद से जानना चाहिए और क्वेश्चन को पढ़ करके इक्वेशन तक पहुंचना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो आप, अब इसको सॉल्व करना है। अगर मान लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना होता तो हम क्या करते, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे पता है, नाउ क्या इसको फिर से इक्वेशन को लिखेंगे सारे कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ ला करके। यही पर काफी लोग गलती करते हैं, इसी पर जो है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं, जहां पर उसका रिजल्ट जो है एक्स का वैल्यू माइनस में आता और वाई का वैल्यू माइनस में आता, फिर वहां वो सोचते हैं क्या गलती हो गया हमसे, ये वो लोग सोचते हैं। आपको नहीं सोचना ऐसा, आपको यहाँ पर पहले ही कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ लेते आना, बस ये छोटा सा गलती जो है ना आपको आप सोच में ला देगा भैया गलती किए तो किए कहाँ, इतना मेहनत करने के बाद भी गलती हो गया, बस एक छोटा सा गलती, कॉन्स्टेंट टर्म को आप इधर नहीं लाते हो। स्टार्टिंग से हम इसी गलती को सुधारने के लिए कितनी सारी गलतियां करके मैंने सुधारने का प्रयास किया, बट फिर भी अगर गलती करो इससे शर्मिंदा वाली चीजें और कुछ नहीं होंगी। शर्मिंदा क्या है, पढ़ना लिखना आराम से यहाँ ध्यान दो। इस सारे कॉन्स्टेंट टर्म को हम लोग इधर लेते आते हैं 8x-19y-2550 इक्वल टू जीरो हो गया, 7x-16y-2550 इक्वल टू जीरो हो गया। इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करते क्या ही होगा, सिंपल सा x का मान निकल जाएगा आप बताओगे, y का मान निकल जाएगा आप बताओगे। अब ये नहीं बताओगे तो इतना तो मेहनत की हम लोग 10-10-15 क्वेश्चन बनाए, 10 क्वेश्चन ही बनाए ना, हाँ 10 क्वेश्चन जो बनाए वो बेकार हो जाएगा फिर। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो जल्दी सॉल्व करो, ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है इसको। ये आपका 2016 में पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन ढेर सारा रहेगा आपके एग्जाम में, इनकम वाला क्वेश्चन रहेगा, ईयर से क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, आप कोई सा क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, वहां पर आपको अगर एज से रिलेटेड मतलब एज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिखा ना, मैं क्या ही बोलूं, क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, अच्छे ढंग से देखना है आपको। एज का क्वेश्चन हो गया, इनकम का क्वेश्चन हो गया, बोर्ड का क्वेश्चन हो गया, फिर आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया, ये सब क्वेश्चन तो अपना क्वेश्चन होता, अच्छे ढंग से देखना इन सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, इसको आप सॉल्व यहाँ से करो, खुद से सॉल्व करो, मतलब यहाँ तक दिक्कत कहां तक हुआ होगा आपको, इस इक्वेशन तक लिखने में प्रॉब्लम आया होगा आपको, उसके बाद तो आपको कौन रोक सकता है, कोई नहीं, जल्दी सॉल्व करोगे, सॉल्व हो गया होगा। अब मिलाना है आपको, यहाँ देखो कैसे बनाना है वो देखो, हम लोग पहले यहाँ नीचे इसका डिनोमिनेटर पहले लिखते हैं, गला फंस जाता बार बार कभी कभी समस्या है। हाँ यहाँ ध्यान दो, हमको डिनोमिनेटर पहले लिखना होता है ना, समस्या हमारे साथ ही क्यों आती है भैया, समस्या हमारे साथ भी आती है, आप जब बोलते हैं ना पढ़ने तो पढ़ाई कंडीशन में नींद बहुत आता है, इस समस्या को दूर कैसे किया जाए, कैसे मतलब नींद आता पढ़ते समय, अब क्या किया जाए नींद नहीं लेना है पढ़ते समय, यहाँ ध्यान दो क्या ही करते हो आप। हाँ कहाँ थे हम, हाँ पहले डिनोमिनेटर लिखना था ना, इससे हम लोग डिनोमिनेटर लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × -16 अगेन, फिर माइनस करेंगे, 7 × -19, बस देखना हम कहीं गलती तो ना लिख रहे हैं, सेम टू सेम यहाँ डिटो छाप दो, भैया जी छापने आप सिखाइएगा, शर्म नहीं आता आपको, हाँ चलो साहब छापने नहीं सिखाएंगे, ठीक आप खुद वहां से ऊपर से देख के बनाओ यहाँ देखो ये हम लोग दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने वाला, और ऊपर वाला देखते हैं क्या होगा, एक्स का मान निकाल रहे हैं, हाँ भैया एक्स का मान निकाल रहे हैं तो करें क्या, करें क्या, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, -19 × 2550 है ना, माइनस फिर माइनस, फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई, लगता है मेरे पास जगह कम पड़ने वाला, तो क्या किया जाए, छोड़ दो सॉल्व करने, भैया जी सुनिए ना कर दीजिए ना सॉल्व, नहीं बन रहा है, अच्छा ठीक है यहाँ देखो नहीं बन रहा है, वाई को हम लोग हाइट किए, बच कौन कौन दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है, इसे मल्टीप्लाई करना होगा, -2550 × अगेन यहाँ पर फिर से हम लोग 2550 करने वाले, ठीक -2550 × किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 7 के साथ, इसका मल्टीप्लाई 8 के साथ, बस और का छुना करना है, ठीक है बस ध्यानपूर्वक यहाँ देखते चलो, इस दोनों को सॉल्व किए देना है, बस हो गया, हम ही सॉल्व कर दें, एक काम करो ना, दोनों में 2550 है ना, तो मल्टीप्लाई क्यों करना, दोनों से कॉमन ले लो ना 2550, समस्याएं खत्म हो जाएंगे, ठीक है दोनों से कॉमन ले लो, तो दोनों से कॉमन ही ले लेते, ऊपर से कॉमन ही ले लेते, ठीक है समस्या को खत्म ही कर देते, 2550 कॉमन ले ली, -2550 कॉमन ले ली, यहाँ क्या बच गया, -19 बच गया, यहाँ माइनस पहले से था, यहाँ आपका -16 बच गया, बड़ी कोष्ट का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई आपको एक बार ही करना पड़ेगा, ऐसे बार बार मल्टीप्लाई करके हम परेशान क्यों हुए, हम सीधा -2550 को कॉमन ही ले लेंगे ना, मल्टीप्लाई कर दें क्या, आप शायद मल्टीप्लाई की हो, कोई नहीं दोनों सही है, दोनों सही है, जैसे बनाना है वैसे सही होगा, ये हम डिस्ट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है देखो यहाँ पर इसमें से कॉमन नहीं आया, सीधा मल्टीप्लाई करो, 16 का मल्टीप्लाई 8 से करना है, 128 माइनस है तो माइनस, मैंने सिखाया है ना -2×4 रहेगा और -2×-4 रहेगा, दोनों को सॉल्व कैसे करते, 2 का मल्टीप्लाई 4 से 8 हो गया, कितने बार माइनस है, एक बार माइनस है तो यहाँ माइनस हो गया,
हम इससे पहले भी सिखाए थे आपको, 2 का मल्टीप्लाई 4 बार 8 हो गया, 2 बार माइनस है तो मेरा प्लस हो जाएगा, ये सिखाए थे ना, बस वही चीज यहाँ सेम टू सेम आपको अप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई ध्यान में रखना इंटीजर्स का, ओके, इस दोनों का मल्टीप्लाई किए कर हो गया 128, माइनस एक बार था माइनस लगा दिए, कहीं कोई समस्या ही नहीं, अगेन फिर से बीच में मेरा माइनस है, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 133, यहाँ फिर से एक बार माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बस आराम से सॉल्व कर देना है, ठीक है। हाँ जी ठीक है, सॉल्व कर देते हैं आराम से, हम लोग क्या ही करेंगे उसको समझते हैं हम लोग, यहाँ माइनस 2550 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, माइनस 19 माइनस माइनस प्लस, यहाँ 16 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जो है माइनस 128, माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, 133 हो गया, इसको सॉल्व करना, सॉल्व मैं करूँगा आप करोगे सॉल्व, 133 में 128 से घटाओगे कितना होगा, इंटीजर्स का प्लस माइनस का जोड़ घटाओ गुणा भाग, अगर ये समस्याएं हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको समस्याएं हैं तो मुझे पूछना, मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा, ओके, जोड़ घटाओ गुणा भाग बेहतर तरीके से समझा देंगे अगर समस्या हो रहा है तो। यहाँ देखो 133 में 128 को घटाएंगे कितना होगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 5 लिख लेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पर माइनस 2550 है ना, तो माइनस 2550 लिख लिए, यहाँ मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और माइनस 19 प्लस 16 कितना होगा, माइनस 3 हो जाएगा ना, तो माइनस 3 लिख लिए, बस हो गया। अब सिंप्लीफाई कौन हो रहा है 5 से, ये सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर दो, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 0 का 0, माइनस 510 हो गया, माइनस गुना माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, और 510 गुना 3 कितना होगा भैया, 1530 हो जाएगा, बस x का वैल्यू मेरा 1530 निकल गया। बताओ इससे आसान क्या होगा, हमको क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ इनकम निकालना है ना, हमको सिर्फ और सिर्फ इनकम निकालना है, इनकम मेरा x के फॉर्म में दिया हुआ है, y का मान निकालना भी नहीं है, लेकिन आपका इच्छा निकाल सकते हो, ठीक है, हमको सिर्फ x से मतलब था, मेरा x निकल चुका है, आप निकाल देना भाई, ठीक है, आप भी भाई निकाल देना, कुछ ना कुछ तो भाई निकलेगा, सीधा लिख देना आप, हैंस इनकम ऑफ a इक्वल टू 8x, तो 8 गुना 1530 हो गया, अगेन इनकम ऑफ b इक्वल टू 7x, तो 7 गुना इतना मेरा दोनों का इनकम निकल जाएगा, जो क्वेश्चन कहा गया था वो हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। अगर आपको y का वैल्यू निकालना है तो निकाल सकते हो, कहीं कोई जरूरत नहीं y का मान निकालने से, इसे हटा दो, लेकिन आप निकालोगे y का मान, मुझे ये देखना है कि आप इसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ये खुद से सॉल्व करोगे, मुझे देखना है कि आप इसका वैल्यू निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते, बस इतना ही आपको बताना है अपने कैलकुलेशन का, यहाँ आपको क्या करना है पता है ना भैया, क्या ही करना है कैलकुलेशन का जो है ना, आपको यहाँ पर एक अच्छा वर्ड था, अच्छा छोड़ो ना, आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, ठीक, देखो यहाँ पर, फिर यहाँ आपको लैंग्वेज लिखना है, इनकम ऑफ ए इक्वल टू 8x, 8 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1530 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दियो, इनकम ऑफ बी इक्वल टू 7x, 7 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1530 करना है, आराम से दोनों को सॉल्व करोगे, बस हो गया आपका काम, ठीक है, इतना सा काम करते करोगे, कहीं कोई दिक्कत होगा तो पूछोगे, 2 क्वेश्चन दे रहे बनाने के लिए।